नमस्कार टीपीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है आपके साथ मैं हूं कुलदीप एआईएमआईएम पार्टी के चीफ अजदुद्दीन ओवैसी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर राजस्थान दौरे पर आ रहे हैं अजदुद्दीन ओवैसी 14 और 15 सितंबर को पांच जिलों जयपुर सीकर झुंझुनू चूरू और नागौर का दौरा करेंगे राजस्थान में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की एंट्री से कांग्रेस के मुस्लिम वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी लग सकती है इसलिए 40 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस के लिए बड़ा खतरा हो सकता है एआईएमआईएम के राजस्थान स्टेट कोऑर्डिनेटर जमीन खान ने कहा कि ओवैसी पांच जिलों के दौरे पर है राजस्थान में आगामी 2023 विधानसभा चुनाव में पार्टी की 30 से 40 सीटों पर कैंडिडेट्स उतारने की तैयारी है ओवैसी के आने से प्रदेश की आवाम और पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह और जोश बढ़ेगा कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों की नीतियों से जनता परेशान हो चुकी है माइनॉरिटी दलित आदिवासी किसान महिलाओं के साथ अत्याचार और जुल्म के मामले प्रदेश में बढ़ रहे हैं जनता बहुत उम्मीदों से नए विकल्प की ओर दिख रही है राजस्थान में चुनावी नब्ज टटोल रही आम आदमी पार्टी के लिए भी एक झटका हो सकता है क्योंकि ओवेसी की पार्टी मुस्लिम दलित आदिवासी और किसान मजदूरों की आवाज बनने वाली पार्टी से गठजोड़ के आधार पर राजस्थान में सियासत साधना चाह रही है इसलिए बीजेपी के लिए सुकून की बात हो सकती है फिलहाल इस खबर में इतना ही आप देखते रहिए टीपीवी न्यूज